Now your combination bidding, the practical problems is again I am doing. A group consists of 4 girls and 7 boys. एक ग्रुप आपका 4 गर्ल्स और 7 लड़कों से आपने मिलके बनाया. In how many ways can a team? एक टीम को हमने बनाया 5 members की select करके, जिसमें पहला the first case जिसमें no girls, लड़कियां कोई भी नहीं होंगी. दूसरा वाला केस है एटलीस्ट एक लड़का और एक लड़की हुए, 1 boy and 1 girl होगा. एंड उसमें उसके बाद एटलीस्ट 3 गर्ल्स. और तीसरे केस में आपका अब अकल जब आप सॉल्यूशन करेंगे ऑफ दिस क्वेश्चन तो ना जरा देखेगा नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल कितना है 7 एम राइट देखेगा नंबर ऑफ गर्ल्स सॉरी नंबर ऑफ गर्ल्स 4 है और नंबर ऑफ बॉयज आपका कितना है इसके बाद टोटल आपका 7 प्लस 4 आपका कितना हो गया 11 हो गया कायदे से सबसे पहले द फर्स्ट केस में आपका क्या नो गर्ल जब कोई भी लड़की नहीं है किसमें जब आपके 5 मेंबर्स को आपका सेलेक्ट करना है आपने उस समय तो मींस फर्स्ट यानी कि सिंस देयर इज नो गर्ल तो 5 मेंबर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 7 गर्ल्स जब लड़की है ही नहीं तो 7 लड़का आपका 7 जो 5 लड़के आप क्या करेंगे उसको तो इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आपका जो आएंगे इज अबाउट 7c5 इज इट क्लियर तो 7c5 का मतलब 7c2 NCR is equal to factorial N over factorial R or factorial N minus R हो गया. Now, factorial 7 over factorial 5 or factorial 7 minus 5. Is it clear? Factorial 7, का मतलब 7 into हो गया. तो आपका ठीक है जब नो गर्ल्स हैं तो नो गर्ल्स में आपका 5 मेंबर्स होंगे सिलेक्टेड फ्रॉम द 7 बॉयज से होंगे और आपका ना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बेस 7c5 मतलब 7 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स का सिलेक्शन हो जाएगा और एनसीआर का फॉर्मूला यूज करने के बाद 21 बेस आ जाएगा अब आपका देखो नाउ यू प्लीज कम द सेकंड पॉइंट एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल यानी कि ये जो 5 मेंबर्स की टीम है या कमेटी है इनमें से एक लड़का और एक लड़की तो जरूर होना चाहिए तो देखो इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज सेलेक्टेड और इधर नंबर ऑफ गर्ल्स सेलेक्टेड आपका ठीक हो गया जी और यहां से इसका नंबर ऑफ वेज भी आपको डिटेक्ट कर सकते तो जब एक लड़का हो उस समय 4 लड़कियां होंगी 4 × 1 = 5 हो गया इससे पहले इसका मतलब क्या हो गया The boys from out of 7 to 7c1 into 4c4 ठीक है देख लीजिएगा लड़के कितने हैं और लड़कियां कितने हैं देख लीजिएगा चेक कर लीजिएगा अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7 into 4 देख लीजिएगा ये 7 into 1 7 आएगा आर यू श्योर फैक्टोरियल 4 ओवर फैक्टोरियल 4 और 4 माइनस 4 0 हो गया तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 हो गई फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गॉट इट और 7c1 आपने ठीक ही बोला जब नंबर ऑफ बॉयज 2 तो ये आपने कितने लगे 3 उस समय ये जो आपके हैं 7c2 7 में से आउट ऑफ 7 2 बॉयज इन कमेटी विथ आपका 4c3 हो गया तो ये कितना हो जाएगा कैलकुलेट करके प्लीज टेल मी घबराना क्या सभी के साथ दिक्कत है फैक्टर 7 सॉरी फैक्टर 7 ओवर फैक्टर 2 और फैक्टर 7 और माइनस 2 आपका इनटू फैक्टर 4 ओवर फैक्टर 3 और फैक्टर 4 माइनस 3 हो तो ये आपका 7 हो गया तो
7 आपका कितना 7 into 6 into factor 5 4 आपका 2 into 1 और ये आपका factor 5 ये कैंसिल हो गया 2 आपका 3 जा तो 7 3 जा 21 हो गया ये आपका देखो 1 हो गया ये आपका 4 21 4 जा 84 Now, when number of boys 3 or you have 2, so these 3 boys can be selected from 7C3 or into 4C2. Kitna aayega? Inko solve karke. Ji? 210. Now, when the number of boys are 4 and girl is 1, okay, 4 plus 1 is 5, so these 4 boys are from out of 7 or into now 4C1. See, this is 4 over here, or you can now 35. So 35 4 jump 140. Clear. अब आपका कितना हो जाएगा सुनना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कैसे करो 7 प्लस 84 प्लस 210 प्लस 140 360 91 कितना हो गया 91 तो 441 और अब एटलीस्ट थ्री गर्ल्स में क्या होगा कम से कम 3 लड़कियां नंबर ऑफ टीम वही है तो कैन यू टेल मी आपका नाम एटलीस्ट 3 है जी थर्ड एटलीस्ट 3 गर्ल्स तो होनी चाहिए तो ना जब गर्ल्स आपके नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ये हो जाएगा इसमें आपका नंबर ऑफ बॉयज जब लड़कियां आपकी एटलीस्ट 3 है तो बॉयज आपके कितने होंगे 2 और जब ये तो मिनिमम है आपका एक क्वेश्चन में ये हो जाएगा एम आई राइट इसका मतलब ये जो नंबर आपका ये बॉयज कितने में से 7C2 इनटू आपका 4C3 और ये 7C1 बॉयज इनटू 4C4 ये आपका इनको सॉल्व करके कितना आएगा ये बताइए ये कंडीशन चेक कर लीजिए कहीं पे ये इसका मतलब इसको सॉल्व करके तो आपका 84 आ जाता है दिस कंडीशन ये वाली कंडीशन आपका 7 नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज व्हेन एटलीस्ट 3 गर्ल्स आर इन अ ग्रुप ऑफ योर 5 So now, 84 plus 7 is what? 91. So, ये था आपका सवाल. तो competitive levels के questions basically ऐसे बनते हैं. Please do it. ये देखिएगा. The second question is, in a small village, एक छोटे गांव में, there are 87 families वहाँ पे हैं. जिसमें से 87 में से out of these 52 families के have at most 2 children. जिनके एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हैं, इन्हें रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत 20 फैमिलीज आर टू बी चूजन 20 फैमिलीज को आपका चूजन किया गया सेलेक्ट किया गया फॉर असिस्टेंस के लिए आउट ऑफ विच जिनमें से एटलीस्ट 18 फैमिलीज मस्ट हैव जिनमें से 18 फैमिलीज के एटलीस्ट एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन थे इन हाउ मेनी वेज कैन द चॉइस बी मेड कितने प्रकार से इस चॉइस को आप बना सकते हैं आपका नाम अब आपका लिखिए सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इन ए विलेज में आपका कितना है 87 नंबर ऑफ फैमिलीज Which
children at most out of 52 families have, देखो at most 2 children, कितनी families हैं? 52 families हैं. इसका मतलब आपको निकालना क्या है? Number of families. जिनके क्या होंगे? मोर देन दो, मोर देन टू चिल्ड्रन. इसका मतलब 87 माइनस 52 इज योर कितना हो गया? 35. और 20 फैमिलीज आर टू बी चूजन फॉर एसिस्टेंस. चुनाव. इसका मतलब नंबर ऑफ फैमिलीज सेलेक्टेड या चूजन, ऐसे करो ये 20 फैमिलीज को आपका नाम उन्होंने चूज कर दिया है. क्लियर हो गया? अब यहां पे देखो एक डाटा कलेक्ट करने के लिए अपन एक टेबल बना देंगे. नंबर ऑफ फैमिलीज आउट ऑफ 52 families have at most, जिनके at most क्या है? 2 children. Clear? अब number of families अब आप देखो selected या chosen out of 35 families, जिनमें से 35 फैमिलीज के क्या है? मोर देन 2 चिल्ड्रन. एम आई राइट? उसके बाद अब यहां से आपका नंबर ऑफ वेज आप निकालेंगे. तो देखिए 20 फैमिलीज हैं जिनको सेलेक्ट करना है. आपके हिसाब से नंबर ऑफ फैमिलीज आउट ऑफ 52 फैमिलीज हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, तो क्या करेंगे आप इसमें? वो 18 फैमिलीज भी हो सकते हैं और 19 भी हो सकते हैं और 20 तो है ही सेलेक्ट किया इसमें. अब यहां पे 35 के लिए अपन क्या होगा? जब 18 होंगी तो 2, जब 19 होंगी तो 1, और जब 20 होगी तो देख लीजिएगा कॉम्पिटिटिव लेवल्स के क्वेश्चन से ही ऐसे ही होते हैं. चेक कर लीजिएगा नंबर ऑफ फैमिली सेलेक्टेड आउट ऑफ 35 फैमिलीज हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रन. और वहां पे देखो नंबर ऑफ फैमिलीज आउट ऑफ 52 फैमिलीज हैविंग एट मोस्ट. अब क्या करेंगे जी? आप 52 फैमिलीज में 52 में से 18 फैमिलीज इंटू 35 में से आप बना दो सी. ये हो गया ना. इधर वो कितना है? 52 में सॉरी 19 तो आपका इंटू 35 में सॉरी 35 में सी 1. एक मिनट, 52 में C 20 अपन इंटू इसमें 35 C 0. हाँ आप बताइए. At least 80 families must at least है ना? क्लियर? इसलिए देखिए पूरा डाटा है तो ना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आप 52 सी 18 इंटू 35 सी 2 प्लस 52 सी 19 इंटू 35 सी 1 प्लस 52 सी 20 आपका इंटू 35 सी 0.
सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर क्या है आंसर क्या है, क्लियर? प्लीज डू इट। अब आपको क्वेश्चन दूंगा, आप करेंगे। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स अमंग सेट ऑफ ग्रुप्स। बेसिकली अभी आपके स्कूल में पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है ये अलग बात है। इसमें जो फॉर्मूला बेसिकली आपका जो यूज होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन डिफरेंट थिंग्स अमंग थ्री सेट्स और थ्री ग्रुप्स नाउ कंटेनिंग एम कॉमा के कॉमा आर थिंग्स, एम के आर बीइंग डिस्टिंक्ट, ये अलग अलग होंगे। एम प्लस के प्लस आर इज इक्वल टू आपका एन होता है, इसमें ये लोगे एन सी एम इंटू एन माइनस एम सी के माइन इंटू आपका एन माइनस एम माइनस के सी आर का फॉर्मूला लगता है, जो लास्ट में जब इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल एम इंटू फैक्टोरियल के इंटू फैक्टोरियल आर आता है ये, और एन माइनस एम माइनस के माइनस आर इज इक्वल टू जीरो होता है। पहले जो ये अमाकल आपके पास फाइव बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स है, रेड ब्लू येलो ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन आपका ऑरेंज कर दिया क्योंकि बी का मतलब ब्लैक हुआ, बी का मतलब ब्लू भी हो गया, तो हमने ब्लू मान लिया। यहाँ पे ब्लैक जो भी माना है, पांच कलर है हमारे पास, इज इट क्लियर? अब आपका नंबर ऑफ बॉल्स, पांच ही बॉल है हमारे पास और क्वेश्चन में देख लीजिए आपका थ्री डिफरेंट बॉक्सेज है हमारे पास आपका, तो नंबर ऑफ बॉल्स आर इक्वल टू बॉक्स ये नंबर वन हो गया। नाउ बॉक्स नंबर टू हो गया, बॉक्स नंबर हमारे पास थ्री हो गया, और उसके बाद आपका नंबर ऑफ वेज कितने प्रकार से हो इन पांच बॉलों को, आपका क्या बोल रहा है तीन ही बॉक्सेज है हमारे पास, बॉक्स नंबर वन बॉक्स नंबर टू बॉक्स नंबर थ्री, इनमें हमने इन फाइव बॉल्स को आपका जो प्लेस करना है ना, देखो थ्री बॉक्सेस ईच बॉक्स कैन होल्ड ऑल फाइव बॉल्स, ईच बॉक्स साइजेस बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, ईच बॉक्स कैन होल्ड ऑल फाइव बॉल्स इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, कैन ईच बॉक्स कैन होल्ड ऑल फाइव बॉल्स। तो बॉक्स नंबर वन में अगर आपका एक आई तो इसमें एक आई, इसमें आपका क्या होगा तीन, तो वन 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 कितना हो गया थ्री हो गया, तो देखो इसका नंबर ऑफ पांच में से एक बॉल आ गई, अब बची चार, चार में से एक आ गई आउट ऑफ फोर, बची आपके पास थ्री, तो आपका सी थ्री सी। पांचों को बीस, फाइव सी वन भी फाइव होगा वो भी आपका, और ये आपका फैक्टोरियल माइनस जीरो आपका। अब देखो इस बॉक्स में वन, इसमें टू, फाइव सी वन, पांच बॉल में से एक बॉल यहाँ आ गई, अब नाउ यहाँ फोर बॉल्स फोर में से टू यहाँ आ गए, तो देखो फोर सी टू, अब आपका थ्री बॉल्स बची, थ्री में से आपका राज होते कितना हो गया, अब नहीं कितना हो गया फोर में से आपका टू, अब आपका कितना बच गया टू, टू में से आपका नाम, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये तो आपका फाइव हो गया, ये आपका नाम नहीं है क्यों सिक्सटी, थर्टीन होगा, अब यहां पे एक बॉल, यहां पे तीन बॉल, यहां पे एक बॉल, तो देखो फाइव बॉल में से एक यहां आ गई, अब नाउ यू हैव द रिमेनिंग फोर, फोर में से आपका देखो ये थ्री यहां आ गए, बचे आपके पास क्या वन, तो वन सी इनको करेंगे कितना आ गया, आप देखो ना फैक्टोरियल फाइव माइनस आपका आपका फाइव आया, आप इसको सॉल्व वगैरह में देखिए
कितना आएगा, ये भी आपका 20 आएगा, चेक करो। यूज तो आपका एनसीआर यू आर यूजिंग एन ओवर आपका आर एंड एन माइनस आर ही यूज करेंगे ना। अब देखो, अब नाउ फोर्थ कंडीशन में आपका नाउ इसमें टू, इसमें वन, इसमें टू, तो पांच बॉल में से दो बॉल आ गई। अब आपका थ्री, थ्री में से वन बची, टू, टू में से टू थर्ड बॉक्स में आ गए। क्लियर? इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 20 नहीं 30। फिफ्थ कंडीशन में फर्स्ट बॉक्स में टू, सेकंड में टू, तो आप पांच बॉलों को आप डिफरेंट कलर की एडजस्ट कर रहे हैं, बॉक्स नंबर वन, बॉक्स नंबर टू, बॉक्स सदर 5C2, पांच में से यहां आ गए, फिर अपना 3C2, इसमें से फिर 1 बची, तो 1C1, इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना, 20। चेक करो, मैं तो खाली बोल रहा हूं, हो सकता 30, ये तो आपको देखना है। देखो अब आप मुझे बताइए 20 आएगा 30 आएगा, ये आपका उत्तर। अब इसके बाद यहां फर्स्ट बॉक्स में 3, सेकेंड बॉक्स में 1, कंडीशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपका। अब आपका क्या होगा, 5 में से 3 आ गई है, बची 2, तो ना 2 में से 1 यहां आ गई है, बचा 1, तो 1C1, तो कितना हो गया, 20। इज इट ओके? कैलकुलेट कर लीजिए, इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वेज सबको आप ऐड कर दीजिएगा, 20 + 30 + 20 + 30 + 30 + 20 90 + 150 वेज। पांच बॉलों को, फाइव बॉल खेल की कैन बी केप्ट और प्लेस in three different boxes, no, in 150 ways, in six given conditions. Clear? Please do it.